हेलो एवरीवन, मैं अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net और गूगल एड सीरीज के इस पार्ट में हम लोग एक पावरफुल ऑप्शन के बारे में बात करेंगे जो आपके एड्स को बनाने की जो प्रोसेस है उसको बहुत आसान कर देता है और इसे बोलते हैं DSA, यानी कि डायनेमिक सर्च एड्स। डायनेमिक सर्च एड्स आपके एड कैंपेन में चार चांद लगा सकते हैं और बहुत बड़ी वेबसाइट में बहुत सारे अलग अलग एड्स बनाने की जगह आप बहुत सिंपल तरीके से बहुत सारे एड्स को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन डायनेमिक सर्च एड्स बनाने में थोड़े से पेंच आते हैं, इसीलिए जब आप नॉर्मल तरीके से एड कैंपेन को सेटअप कर रहे होते हैं तो वहां पर डायनेमिक सर्च एड्स का कभी ऑप्शन दिखाई नहीं देता है। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और बनाते हैं डायनेमिक सर्च एड्स इन गूगल एड्स। सो हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ पर हम अपने डेमो अकाउंट के अंदर बनाएंगे डायनेमिक सर्च एड्स। लेकिन डायनेमिक सर्च एड्स को बनाने से पहले कुछ दो चार चीजों के बारे में बात करनी बेहद जरूरी है। डायनेमिक सर्च एड्स के जैसा ही एक और एड टाइप होता है जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन। परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन भी अपने आप में यही प्रॉमिस करते हैं कि आप बहुत ही मिनिमम डॉक्यूमेंट, मिनिमम इन्फॉर्मेशन देंगे अपने एड के लिए और गूगल अपने आप से एड को बना देगा, राइट। सो जब हमारे पास परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन है तो फिर डायनेमिक सर्च एड्स की जरूरत क्यों है? बिकॉज जैसा कि नाम से ही पता लग जाता है, डायनेमिक सर्च एड्स आपकी वेबसाइट के URL से कॉन्टेंट लेकर अपने आप एड बनाएंगे। सो जरूरत क्यों आ जाती है इसकी? जरूरत डायनेमिक सर्च एड्स की आपके प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए नहीं है। डायनेमिक सर्च एड्स की जरूरत होती है आपके नॉर्मल सर्च एड्स के लिए और ज्यादा आइडियाज निकालने के लिए, किस टाइप के प्रोडक्ट ज्यादा डिमांड में है, किस टाइप के कीवर्ड्स को आप टारगेट कर सकते हैं, और इस जरूरत के लिए हम लोग डायनेमिक सर्च एड्स को यूज करते हैं। सो डायनेमिक सर्च एड्स को बनाने की प्रोसेस जब हम चालू करेंगे तो हमेशा याद रखें कि आपको डायनेमिक सर्च एड्स के लिए एक डिफरेंट कैंपेन बनाना होगा। आपके अपने मेन कैंपेन के अंदर आप इसे यूज नहीं करेंगे और जो हमारा डिफरेंट कैंपेन होगा उस कैंपेन का हम बजट बहुत कम रखेंगे। अगर हम बजट कम रखेंगे तो हमारे पास एक्चुअल में स्पेंड नहीं होगा, ठीक है ना। हमें अलग कैंपेन बनाना है, अलग बजट सेटअप करना है ताकि हम उस लो बजट कैंपेन के जरिए डायनेमिक सर्च एड्स को यूज करके गूगल से ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल सकें। ये प्रोसेस अभी हो सकता है थोड़ी कंफ्यूजिंग लग रही हो, लेकिन जब हम इसे एक्चुअली करना चालू करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, हमेशा जो एक एग्जीक्यूटिव होता है, नॉर्मल एग्जीक्यूटिव होता है, उसे पता है कैसे ऐड रन करना है, कहां पर क्लिक करना है, कहां पर नहीं क्लिक करना है, और जल्दी से ऐड बना देते हैं। बट जब आप प्रोफेशनल वर्ल्ड में काम करते हैं तो आपको एक्चुअली में ट्रिक पता होनी चाहिए कि किस चीज को कैसे यूज करना है। हर एक ऐड टाइप सिर्फ प्रोडक्ट सेल करने के लिए नहीं होता है। तो हम आ जाते हैं यहां पर और एक अपना नया कैंपेन बनाना शुरू करते हैं। मैं किसी भी बने बनाए पहले कैंपेन को यूज नहीं करूंगा ताकि हम लोग उस कैंपेन के अंदर जो एक्चुअल में सर्च एड्स हैं आपके उसको बर्बाद ना करें। तो यहां पर हम क्रिएट न्यू कैंपेन बटन पर क्लिक करेंगे, न्यू कैंपेन बटन पर क्लिक करेंगे। यहां पर ये जो कैंपेन बनाने की पूरी प्रोसेस है इसे मैं बहुत जल्दी से निकालूंगा। इसलिए जल्दी से निकालूंगा बिकॉज एक्चुअली में कैंपेन को कैसे बनाना है, अच्छी तरह से सारी सेटिंग्स को एक्सप्लेन करना, ये सारा काम दूसरे वीडियोस में कर चुका हूं। पूरी प्लेलिस्ट है, आई थिंक अभी तक 18-19 वीडियो आ चुके होंगे, आप उन्हें देखें, वहां पर सीखें। अभी राइट नाउ हम डायनेमिक सर्च एड्स को देखने जा रहे हैं। तो यहां पर मैं सेल सेलेक्ट कर लेता हूं अपना जो पर्पस है, और इसके बाद थोड़ी देर वेट करना पड़ता है, ये सेल्स को सेलेक्ट करने के बाद बहुत टाइम लेता है आने में। ओके, नाउ यहाँ पर कन्वर्जन गोल पूछा जा रहा है, जो भी आपकी वेबसाइट पर ऑलरेडी कन्वर्जन गोल चल रहा है आप उसे यूज कर लें, और यहाँ पर कैंपेन टाइप में आप सर्च यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी अगर हमने सेल्स यूज किया हुआ है तो ये सेल्स वाला ही ऑब्जेक्टिव यूज करते रहना है, राइट। इसलिए बिकॉज डायनेमिक सर्च एड्स अधिकतर ई-कॉम टाइप के प्लेटफॉर्म पर चलाए जाते हैं, नॉर्मल ब्रांडिंग कैंपेन के लिए डायनेमिक सर्च एड्स की जरूरत नहीं होती। जहां पर आप सेल करना चाह रहे हैं वहीं से आपको ज्यादा आइडियाज की जरूरत पड़ती है। सो यहाँ पर हमने सर्च सेलेक्ट कर लिया और इसके बाद हमें वेबसाइट विजिट को सेलेक्ट करना है और अपने ई कॉमर्स स्टोर का, आप अपनी वेबसाइट का यहाँ पर URL डाल देंगे। यहाँ पर मेरे पास अभी डेमो के लिए कोई ई कॉमर्स स्टोर नहीं है, तो मैं जो डेमो साइट है हम यूज कर रहे हैं लगातार उसी को यूज करते हैं। URL को मैंने ऐड कर दिया और कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर दिया। बहुत जल्दी जल्दी निकालूंगे सारा काम। इसके बाद कैंपेन को नाम देना है, हम इसे नाम दे देते हैं DSA 007 DSA यानी कि डायनेमिक सर्च एड्स। ओके, यहाँ पर मैंने डेमो के लिए ऐसे ही नाम दे दिया है, बट आप ऐसा नाम दें जो आप आगे भी जाकर याद कर पाएं कि आखिर ये डायनेमिक सर्च एड्स मैंने किसके लिए बनाया था, राइट। यहाँ पर आपको जो बिडिंग मेथड दिखाई दे रहा है उसमें कन्वर्जन या कन्वर्जन वैल्यू दोनों में से कोई एक सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपके ई कॉमर्स स्टोर पर एक ही प्राइस के प्रोडक्ट हैं, कम प्रोडक्ट हैं, तो यहाँ पर आप कन्वर्जन सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके ई कॉमर्स स्टोर पर बहुत सारे अलग अलग प्राइस रेंज के प्रोडक्ट हैं तो आप कन्वर्जन वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे। बट किसी भी सिचुएशन में यहाँ पर इसे सेलेक्ट नहीं करना है कन्वर्जन वैल्यू के लिए, ROAS के लिए, और कन्वर्जन में आपको टारगेट CPA नहीं सेलेक्ट करना है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं और सिर्फ नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर इन दोनों को चेक ऑफ कर देते हैं। ओके, और इसके बाद टारगेट लोकेशन वही सेलेक्ट करनी है जो आप एक्चुअल सर्च एड्स में यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने इंडिया सेलेक्ट कर लिया है क्योंकि मेरे सर्च एड में भी जो नॉर्मल मेन सर्च एड है उसमें भी इंडिया ही सेलेक्टेड है। यहाँ पर लैंग्वेज में हटा देता हूँ, सारी लैंग्वेजेस के एड दिखाई जा सकते हैं, एंड देन इसके बाद यहाँ पर ऑन
एंड ऑडियंस सेगमेंट भी कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना है एंड देन इसके बाद मोर सेटिंग एंड देन इसके बाद सब कुछ ओके ओके है, नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर लेते हैं। देन इसके बाद इसे स्किप कर देना है एंड एक्चुअली मैं यहाँ पर एड ग्रुप को मैं हटा देता हूँ, ठीक है, आई डोंट वॉन्ट टू क्रिएट एनी एड ग्रुप। सो यहाँ पर हमने अपना एड ग्रुप डिलीट कर दिया है, कोई भी हमें एड ग्रुप नहीं बनाना है। इसके बाद बजट बटन पर क्लिक कर देते हैं, यहाँ पर कुछ बजट डाल देते हैं, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज। सो यहाँ पर 100 रुपीज पर डे का मतलब हो गया पूरे महीने में 3000 रुपये खर्च होगा। यहाँ पर थोड़ी वार्निंग आ रही है बट आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। इसके बाद मैंने नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दिया है एंड लेट्स वेट। ओके, कैंपेन को पब्लिश कर देते हैं। यस ठीक है, कोई बात नहीं, ये दिखा रहा है कि कैंपेन हमारा विदाउट ऐड के रन नहीं करेगा बिकॉज हमने ऐड ग्रुप को ही डिलीट कर दिया तो उसके अंदर कोई ऐड नहीं होगा, बट फिर भी हम इसे पब्लिश कर देते हैं। ओके नाउ यहाँ पर यू नो सारी चीज़ें आ रही हैं, इनको नेक्स्ट नेक्स्ट कर देते हैं। आई डोंट वॉन्ट टू डू दैट टेस्ट कनेक्शन, जस्ट इस पूरी प्रोसेस को हमें ख़त्म कर देना है। डू दिस लेटर एंड डन, राइट। सो मेरा कैंपेन बन गया, अब मैं अपने कैंपेन पर आ जाता हूँ। यहाँ पर DSA 007 मेरा ऑलरेडी सेलेक्टेड है, तो अब यहाँ पर हमें जो क्या बनाना है, ऐड ग्रुप। आ जाते हैं ऐड ग्रुप पर, किसके लिए, DSA 07, राइट, DSA 007 जो हमने अभी DSA के लिए कैंपेन नया बनाया। अब यहाँ पर हम प्लस बटन पर क्लिक करेंगे और ऐड ग्रुप बनाएंगे। अब यहाँ पर हम ऐड ग्रुप अगेन फिर से क्यों बना रहे हैं, बिकॉज जब हम कैंपेन के साथ में ऐड ग्रुप बनाने जाते हैं तो आपको DSA का ऑप्शन नहीं मिलता है कभी भी। ऐड ग्रुप दो टाइप के होते हैं, स्टैंडर्ड और डायनेमिक, राइट। जब हम ऐड बनाते हैं कैंपेन के साथ में तो हमें हमेशा स्टैंडर्ड एड ग्रुप बनाने का ऑप्शन मिलता है, डायनेमिक का ऑप्शन नहीं मिलता है। और अगर आपका एड ग्रुप ही डायनेमिक नहीं है तो आपके एड डायनेमिक नहीं बनेंगे, राइट। सो अब यहाँ पर ये ऑप्शन आपको मिल रहा है, एड ग्रुप स्टैंडर्ड की जगह डायनेमिक सेलेक्ट करेंगे, राइट। ये ऑप्शन तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप कैंपेन के साथ में सेटअप करने जा रहे हो, बिकॉज गूगल डजंट वॉन्ट यू टू यूज दैट। गूगल वॉन्ट्स कि आप नॉर्मल कैंपेन बनाएं, उसी में स्टैंडर्ड भी डाल दें, उसी में डायनेमिक भी डाल दें, ताकि आपका पैसा ज्यादा खर्च हो। ओवरऑल कुल मिला के जो कहानी है वो ये है कि पैसे आपके ज्यादा खर्च होने चाहिए। सो यहाँ पर अब हमें अपने डायनेमिक सर्च ऐड का एक ऐड ग्रुप का नाम देना है, ठीक है। अब मेरे ऐड ग्रुप का नाम क्या हो सकता है, ऐड ग्रुप का नाम आप बनाएंगे अपने प्रोडक्ट और कैटेगरी वगैरह के हिसाब से, राइट। सो एक बार जब मैं यहाँ पर बनाना शुरू कर दूंगा पूरा का पूरा ऐड ग्रुप तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे हो रहा है। सो यहाँ पर हमने ऐड ग्रुप को सिलेक्ट कर लिया, राइट। इसके बाद अब इसको नाम मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन क्या दिखाई दे रहा है, सबसे पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है नो कैटेगरीज आर अवेलेबल फॉर योर वेबसाइट। ये इसलिए दिखाई दे रहा है बिकॉज जो हमारी डेमो वेबसाइट है उसमें कोई भी रियल प्रोडक्ट्स अभी बहुत ज्यादा नहीं है, एक दो डमी प्रोडक्ट आई थिंक मैंने ऐड किए थे। और बिकॉज हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है और गूगल पे ये वेबसाइट एक्चुअली में ज्यादा ट्रैफिक नहीं ला रही है, इसीलिए गूगल को इस वेबसाइट के अंदर मौजूद कैटेगरीज के बारे में कम पता है। बट लेट्स से कि आप Amazon के लिए ऐड रन कर रहे हैं या Flipkart किसी भी ई-कॉमर्स वेबसाइट के लिए अगर ऐड रन कर रहे हैं तो उस वेबसाइट पर बहुत सारी कैटेगरीज होंगी, और बिकॉज इन कैटेगरीज के लिए फॉर एग्जांपल मोबाइल हो गया या फिर इलेक्ट्रॉनिक हो गया, होम एंड किचन हो गया, इन कैटेगरीज पर ट्रैफिक आ रहा होगा और उस ट्रैफिक के बारे में गूगल को इन्फॉर्मेशन होगी आपके गूगल एड्स अकाउंट और एनालिटिक्स अकाउंट के जरिए। तो यहां पर आपको कैटेगरीज दिखाई देंगी, राइट। जब ये कैटेगरीज दिखाई देंगी तो आप किसी भी कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ये जो डायनेमिक सर्च ऐड है इसको रन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के लिए तो यहां पर आप इलेक्ट्रॉनिक वाली कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेंगे और इस एड ग्रुप को नाम दे देंगे इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। नाउ बिकॉज एड कैटेगरी अभी नहीं है हम दूसरे ऑप्शन पर सीधे सीधे आ जाते हैं, अदरवाइज बड़ा सिंपल है, आप सीधे सीधे सेलेक्ट करोगे हो जाएगा, राइट। मैं स्क्रीनशॉट यहां पर ऐड करा दूंगा। नाउ सेकंड ऑप्शन है क्रिएट ए न्यू रूल, यानी कि आप खुद से कैटेगरी अगर नहीं है तो भी आप खुद से भी रूल बना सकते हैं। मान लेते हैं कि आपकी वेबसाइट अभी ई-कॉमर्स स्टोर एकदम नया है, गूगल यहां पर कोई कैटेगरी नहीं दिखा रहा है, लेकिन फिर भी आप डायनेमिक सर्च एड्स को यूज कर सकते हैं, आप स्पेसिफिक URL ऐड कर सकते हैं, राइट। सो फिर यहाँ पर आ जाता हूँ और URL एंटर कर देता हूँ, https://amittiwaripw.in/electronics, ठीक है। तो यहाँ पर amittiwaripw.in/electronics, राइट, ये एग्जैक्ट URL हो गया इस कैटेगरी के लिए। मैं इसे ऐड कर देता हूँ, यहाँ पर जैसे ही मैं ऐड बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आ जाएगा साइड में, ओके। तो अब गूगल इस पर्टिकुलर URL के अंदर जो भी कॉन्टेंट है उसके लिए ऐड अपने आप बना के रन करेगा, राइट। मैं स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए भी ऐड रन कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये एक लैपटॉप वाला ऐड है, ठीक है, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है पूरा का पूरा, तो मैं इस प्रोडक्ट का URL लेकर यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरी अपने खुद के स्टोर पर ये प्रोडक्ट है https://amittiwaripw.in/shoes/redshoesformen, राइट। अब ये एक URL है, इस पर्टिकुलर शूज वाले URL पर मैं ऐड रन करना चाहता हूं, मैंने यहां पर इस पूरे URL को एंटर कर दिया, ये एज इट इज इसी पर्टिकुलर URL के लिए ऐड रन कर सकता है,
इसके अलावा आप अलग से रूल बनाकर भी अपने प्रोडक्ट के ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्रिएट रूल टू टारगेट वेब पेजेस, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि हमारे अपने वेब स्टोर पर बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, जिन प्रोडक्ट्स की में एक किसी कॉमन वर्ड को आप टारगेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया क्रिएट रूल्स टू टारगेट वेब पेज, यहाँ पर URL ऑलरेडी सेलेक्ट है, ओके URL को सिलेक्ट कर लिया। और देन इसके बाद कंटेन्स, सो कंटेन्स व्हाट, शूज, राइट। अब मैं ऐड बटन पर क्लिक कर दूंगा तो मेरे पूरे वेब स्टोर पर किसी भी URL में अगर शूज कहीं पर भी आ रहा है तो उस URL को यूज करके गूगल डायनेमिक सर्च एड्स ऑटोमेटिकली एड्स को रन करना शुरू कर देगा। बट अगर मैं चाहता हूं कि सिर्फ शूज कैटेगरी वाले URL के ऊपर ही एड रन करे तो मुझे यहां पर एड करना पड़ेगा /shoes/। तो अगर मैं इस तरह का रूल बनाता हूं तो मेरा जो URL यूज होगा डायनेमिक सर्च एड्स में वो होगा अमित तिवारी pw.in/shoes/redformen, राइट। अगर मैं सबसे लास्ट वाले रूल को, इसको इस रूल को यूज कर रहा हूं तो इस पर्टिकुलर URL के लिए एड रन किए जाएंगे, डायनेमिक सर्च एड्स बन जाएंगे। बट अगर मेरा URL होता अमित तिवारी pw.in/red-shoes-for-men, इस URL के लिए ऐड नहीं रन करेंगे क्योंकि शूज से पहले फॉरवर्ड स्लैश नहीं आ रहा है और शूज के बाद भी फॉरवर्ड स्लैश नहीं आ रहा है, राइट। तो यहां पर जो आप रूल बनाएंगे वो बहुत ही सोच समझ के आपको बनाने पड़ेंगे, और ये सोच समझ इसलिए जरूरी है बिकॉज आप नहीं चाहेंगे कि आपकी पूरी वेबसाइट के लिए एक साथ एक ही रूल बन जाए, राइट। हमें अपनी एक कैटेगरी के लिए एक डायनेमिक सर्च ऐड बनाना है बिकॉज अगेन हम जानना क्या चाहते हैं, कीवर्ड कंटेंट प्रोडक्ट, ये जानना है हमें डायनेमिक सर्च ऐड से। हमें डायनेमिक सर्च ऐड से एक्चुअली में सेल नहीं करनी है बिकॉज ये वर्स्ट टाइप ऑफ सेल होगी, राइट। आप या तो टिपिकल सर्च एड्स के ऊपर जाएं या फिर आप परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन रन कर सकते हैं, लेकिन सर्च एड्स में भी जाने में आपको सबसे ज्यादा जरूरत होती है एग्जैक्टली उन वर्ड्स की जिनको यूज करके कस्टमर आपके प्रोडक्ट को ढूंढ रहे हैं। आपका कीवर्ड रिसर्च कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, तो यहाँ पर हम डायनेमिक सर्च ऐड को कीवर्ड रिसर्च के लिए यूज कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर वापस आ गए और आप अपनी पर्टिकुलर एक कैटेगरी के लिए, राइट, किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए, किसी एक खास टाइप के प्रोडक्ट्स के लिए, किसी एक खास टाइप के URL स्ट्रक्चर के लिए आप यहाँ पर रूल्स बनाएंगे। और क्योंकि यहाँ पर मैं बार बार शूज शूज को सेलेक्ट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स हटा देता हूँ, अदरवाइज कंफ्यूज होंगे आप लोग, तो यहाँ पर शूज को ही मैं यूज कर रहा हूँ तो इस एड ग्रुप का नाम क्या हो जाएगा, शूज, राइट। ताकि पता लगे आगे चल के कि हमने ये जो डायनेमिक सर्च ऐड बनाया था उसमें शूज वाली कैटेगरी को टारगेट किया था, ठीक है, एड ग्रुप बन गया। इसके अलावा यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है वो ऑल वेब पेजेस का भी है, यानी कि आपकी वेबसाइट के ई कॉमर्स स्टोर के सारे वेब पेजेस को यूज करके यहाँ पर डायनेमिक सर्च ऐड, ये बहुत ही खराब तरीका है। बेसिकली आई नो वाई गूगल इज डूइंग दैट, ताकि आपका बजट ज्यादा खर्च हो, राइट, बट यू डोंट हैव टू डू दैट। आप क्लिक कर सकते हैं सेव एंड कंटिन्यू बटन पर, ओके। नाउ यहाँ पर ये डायनेमिक सर्च ऐड बनाने वाली प्रोग्रेस चालू हो गई, राइट। अभी तक हम ऐड ग्रुप बना रहे थे, अब हम डायनेमिक सर्च ऐड बना रहे हैं। सो यहाँ पर ये जो URL है ये आप नहीं दे सकते, क्यों, बिकॉज URL तो आपने जो भी रूल दिए हैं अभी डायनेमिक सर्च ऐड्स में वहां से आएगा। हेडलाइन भी अपने आप गूगल जनरेट करेगा, डिस्प्ले URL, डिस्प्ले पाथ जो होता है वो भी अपने आप जनरेट करेगा। आपको क्या बनाना है, सिर्फ आपको डिस्क्रिप्शन देना है। अब देखो यहाँ पर ये कैटेगरी वाइज टारगेट करना क्यों जरूरी था, अगर अभी आपने सारे के सारे URLs को सेलेक्ट कर लिया होता या फिर कैटेगरीज में शूज को भी सेलेक्ट कर लिया, इलेक्ट्रॉनिक को भी सेलेक्ट कर लिया है, राइट, उसके अलावा होम एंड किचन को भी सेलेक्ट कर लिया, फैशन को भी सेलेक्ट कर लिया, तो फिर यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में क्या डालोगे। ऐसा तो कोई डिस्क्रिप्शन नहीं बनाया जा सकता ना जो शूज पे भी फिट हो जाए और दूसरे टाइप के कैंपेन के ऊपर फिट हो जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, करेक्ट। तो यहां पर हम किस टाइप का डिस्क्रिप्शन डालेंगे जो पर्टिकुलर हमारी कैटेगरी को मैच कर रहा है, राइट। तो अब यहां पर मैं रैंडम प्लेस होल्डर डिस्क्रिप्शन यहां पर दूंगा दो, लेकिन फिर भी वो शूज से मिलते जुलते होंगे, राइट, ओके। नॉर्मल रैंडम डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पर दो ऐड कर दिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर URL के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, बट हम इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, वी डोंट नीड टू डू दैट अगेन। हम क्लिक करेंगे डन बटन पर, सो यहाँ पर एक डायनेमिक सर्च ऐड बन गया, राइट। अब यहाँ पर दोबारा क्लिक करके आप और डायनेमिक सर्च ऐड बनाएंगे। टिपिकली किसी भी एक डायनेमिक सर्च ऐड वाले इस ऐड ग्रुप के अंदर आपको, एक ऐड ग्रुप के अंदर आपको 4 ऐड बनाने चाहिए मिनिमम, राइट, क्यों, बिकॉज यहां पर हम हेडिंग नहीं चेंज कर सकते हैं, हम फाइनल URL को नहीं चेंज कर सकते हैं, डिस्प्ले URL को भी नहीं चेंज कर सकते हैं, हमारे पास सिर्फ डिस्क्रिप्शन है। तो अगर हम 4 अलग अलग टाइप के डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करेंगे तो उससे हमारे पास ज्यादा बेटर ऑडियंस कैप्चर होगी, बिकॉज अगेन डायनेमिक सर्च एड्स का जो टारगेट है वो क्या है, ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड्स को कैप्चर करना। कीवर्ड तभी मिलेंगे जब आपके डिस्क्रिप्शन टारगेट ऑडियंस के मूड से मैच कर पा रही है। तो हमने अभी एक डायनेमिक सर्च एड में हमने ऑफर के ऊपर फोकस किया है। नाउ यहां पर हम
वैरायटी के ऊपर फोकस कर सकते हैं, आप स्टाइल के ऊपर फोकस कर सकते हैं, यूज केसेस के ऊपर फोकस कर सकते हैं, बजट के ऊपर फोकस कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के यूज केसेस के बेस पर आपको डिस्क्रिप्शन आए। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन ऐड करना शुरू कर देता हूँ, राइट, इसको यहाँ पर मैं दोबारा ऐड कर देता हूँ, लॉन्ग शेल्फ लाइफ, आई एम जस्ट डूइंग इट वेरी फॉर्मली, बट आप मतलब समझ रहे हैं इसका। डन बटन पर क्लिक कर देते हैं, यहाँ पर मैंने दो ऐड बना दिए हैं, आप दो ऐड और बनाएंगे, सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है, क्लिक क्लिक क्लिक, यहाँ पर मेरा एक ऐड ग्रुप बन गया है, राइट, यू कैन गो अहेड और आपकी जितनी भी कैटेगरीज हैं उन सभी कैटेगरीज के लिए आप अलग अलग ऐड ग्रुप को बना सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो अलग अलग कैंपेन को बना सकते हैं, बट अगेन देन बजट बजट मैनेज करना हो जाता है, टास्क हो जाता है। नाउ यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपने जब ऐड ग्रुप बनाया और आपने अपना ऐड बनाया तो आपसे कहीं पर भी कीवर्ड नहीं मांगा गया, राइट, दैट इज द पावर ऑफ डायनेमिक सर्च एड्स, आपसे आपके यूआरएल्स पूछे जाते हैं और यूआरएल के अंदर जो कंटेंट है, जो प्रोडक्ट है, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको यूज करके गूगल अपने आप फिगर आउट करता है कीवर्ड, ठीक है, कीवर्ड आपको कहीं नहीं देने होते। जब हम नॉर्मल कैंपेन बनाते हैं, नॉर्मल सर्च एड बनाते हैं, उसमें जब भी आप एड ग्रुप वाले लेवल पर आते हैं तो आपसे कीवर्ड मांगा जाता है, यहां पर आपसे कीवर्ड नहीं मांगा है, बट एक सेटिंग बची है जिसको करना बहुत जरूरी है। हम आ जाएंगे अपने कैंपेन पर, राइट, और हमारे अपने कैंपेन्स में जो भी आपका सर्च ऐड है जिसको आप एक्चुअली में यूज करके अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, उसके सारे के सारे कीवर्ड्स को आप कॉपी करेंगे। सर्च कीवर्ड्स क्या है मेरे, राइट, आप इन सारे के सारे कीवर्ड्स को यहां से नोट डाउन कर लेंगे, ओके। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने डायनेमिक सर्च ऐड में, डायनेमिक सर्च ऐड वाले कैंपेन में आते हैं, ओके, इसके ऊपर क्लिक करते हैं और यहां पर आने के बाद आप आएंगे और आपको नेगेटिव कीवर्ड को ऐड करना पड़ेगा, राइट, हम अपने ऐड ग्रुप के अंदर आ जाते हैं, ओके, एंड देन यहां पर हम नेगेटिव कीवर्ड को ऐड करेंगे, राइट, यहां पर आपको सर्च कीवर्ड वाला पॉजिटिव वाला ऑप्शन ही नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ नेगेटिव सर्च का ऑप्शन मिलेगा। सो यहां पर हमने नेगेटिव सर्च कीवर्ड वाले बटन को क्लिक किया एंड देन इसके बाद एड ग्रुप को सेलेक्ट कर लेंगे, ये शूज वाला ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड बिकॉज यहां पर एक ही एड ग्रुप है और यहां पर जो भी मेरा मेन सर्च एड कैंपेन है उसके जितने भी कीवर्ड है उन्हें यहां पर मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है, आपका जो मेन सर्च कैंपेन है उसके सारे के सारे कीवर्ड मैंने पिक किए और उन्हें यहां पर नेगेटिव कीवर्ड में ऐड कर दूंगा। ऐसा क्यों कर रहा हूं, ताकि ये डायनेमिक सर्च ऐड मेरे मेन सर्च ऐड कैंपेन के साथ में क्लैश ना करे, उसके साथ में कंपीट ना करे और गूगल फोर्स हो जाए मेरे अपने इन पर्टिकुलर यूआरएल के लिए नए टाइप के कीवर्ड निकाल कर देने में, राइट। अब ये सारे नेगेटिव कीवर्ड में ऐड कर दिए गए हैं, सो जिन भी कीवर्ड के लिए मेरे मेन सर्च ऐड कैंपेन ट्रिगर हो सकते हैं उनके लिए डायनेमिक सर्च ऐड ट्रिगर नहीं होगा। डायनेमिक सर्च ऐड तभी ट्रिगर होगा जब मेरे मेन सर्च कैंपेन के कीवर्ड नहीं मैच कर रहे होंगे, राइट। सो मुझे मिलेगा वो क्या होगा, मेन फ्रेश कीवर्ड आइडियाज, और वो फ्रेश कीवर्ड आइडियाज आप कहां देखेंगे, आप इनसाइट रिपोर्ट में आएंगे और सर्च टर्म में देखेंगे। तो जैसे ये कैंपेन रन होना शुरू हो जाएगा अपने आप ऑटोमेटिकली सर्च टर्म वाली इस विंडो में आपको ये सारे के सारे सर्च टर्म जो यूजर की क्वेरी है वो पॉपुलेट होती हुई दिखाई देंगी। इसीलिए हमने कम बजट रखा है, इसीलिए हमने सारी सेटिंग अलग रखी है। अब यहां पर आइए, सर्च टर्म में जितने भी वर्ड आपको दिखाई देंगे इन सभी को आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, यहां पर सेव कर सकते हैं डाउनलोड बटन को यूज करके, और फिर उन सर्च टर्म में से अपने कीवर्ड निकालें, उन्हें अपने सर्च कैंपेन के अंदर जो नॉर्मल सर्च कैंपेन है वहां पर जोड़ें ताकि आपको ज्यादा रिजल्ट मिले। This is the use of dynamic search ad. These are not used to actually sell anything. ये सिर्फ इसलिए यूज किए जाते हैं, हम लोग प्रोफेशनली यूज करते हैं ताकि आपको ज्यादा बेटर कीवर्ड आइडियाज गूगल के अपने खुद के नॉलेज से मिले। तो ये थे डायनेमिक सर्च एड्स गूगल एड्स के अंदर। आई होप कि अगर आपकी वेबसाइट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारी सर्विसेज हैं, तो आप डायनेमिक सर्च एड्स को यूज करके बहुत जल्दी जल्दी एड्स बना सकते हैं और अच्छे रिजल्ट्स गेन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में गूगल एड्स की दूसरी सेटिंग्स के साथ में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम अमित तिवारी.net एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।